हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोग आज मिरर्स ऑफ का एडर्ट्स सेट नंबर नाइन्टी एट को डिसकस करेंगे जो कि बी एस आई पी ओ एग्जाम नाइनटीन नाइन्टी नाइन में आई हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोग लगातार कॉमन एडर्स को कर रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है डे टू डे अपडेट्स मिलती रहे और कॉमन एरर्स को करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है मोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन एरर्स आते हैं चाहे वह यू हो सी हमारा टी जी टी पी जी टी या कोई भी एस एस सी और एन डी ए वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स तो चलिए खैर बिना देरी के करते हैं स्टार्ट आज का प्रैक्टिस सेशन I was pretty sure that he would सपोज my view for changing the old and static structure of our ऑर्गनाइजेशन तो क्वेश्चन नंबर ऑर्गनेशन क्वेश्चन नंबर वन में हमारे फ्रेंड्स हमारे सी पार्ट में हो जाती है एरर फोर चेंजिंग की बजाय हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा ऑफ डिपोजिशन का यहाँ पर ऑफ चेंजिंग का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि व्यूज uh, view के बाद हम लोग क्या करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं फ्रेंड चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है हमारा द रिपोर्ट इज कैंड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन इरोडेड कंसाइडरेबली नो एरर तो कौनस नंबर टू में हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स हैव की बजाय क्या यूज करना पड़ेगा हैज का यहाँ पर यूज करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है द रिपोर्ट है जो कि क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है फ्रेंड्स जो अपने लिए क्या है? लेती है सिंगुलर वर्ब लेती है क्वेश्चन नंबर थ्री हम देख लेते हैं नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर प्यूपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज़ एज इफेक्टिव एज दिस मैथड तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें नो मेथड के बजाय हमारा जो सही होता है वो क्या होता है नो अदर मैथड का हमें यूज़ यहाँ पर करना होगा क्या नो अदर मैथड का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा तो हमारे ए पार्ट में हो गई है एरर क्वेश्चन नंबर फोर दिस लेबोरेट्री ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विपाइड विद ऑल स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट आल्सो विद अंडर आउट स्टैंडिंग फिजिस्ट तो नो एर क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे सी पार्ट बी पार्ट में हो जाती है क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे नॉट ओनलीपाइड विद के बदले हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स किस तरह से यूज़ करना पड़ेगा इक्विपाइड नॉट ओनली विद ठीक है इक्विपाइड नॉट ओनली विद का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो का हम लोग पेयर में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स जिस तरह से ये स्ट्रक्चर है बटालसो की उसी तरीके से हम लोग ये स्ट्रक्चर लेंगे तो इसका प्रयोग हम लोग इस तरह से करेंगे तो आज का ये सेट हो जाता है नेक्स्ट सेट हम देख लेते हैं अभी इसी वीडियो में नेक्स्ट सेट हमारा सेट नंबर नाइन्टी नाइन है जो कि बी एस आर बी जयपुर बैंक क्लर्क एग्जाम में 1999 में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन दिस बुक इज ए प्राइमर फॉर मैनेजर्स हु हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग और ए रिफ्रेशर फॉर एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स नो एरर तो क्वेश्चन नंबर वन में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर वन में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें और की बजाय हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा एंड का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि बुक क्योंकि जो हमारी बुक है ये दो लोगों के लिए काम कर रही है तो यहाँ पर हमें एंड का यूज़ करना होगा ना कि और का नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू यू वुड हैव यू वुड हैव सर्टेनली कम्प्लीटिड दिस द वर्क इन द अलॉटेड टाइम हैड यू प्लान इट प्रॉपरली नो एरर तो क्वेश्चन नंबर टू में हमारे फ्रेंड्स सी पार्ट में हो जाती है एरर क्वेश्चन नंबर टू में हमारे सी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स इनकी बजाय सॉरी uh, सी पार्ट में हो जाती है एरर इन क्वेश्चन नंबर इनकी बजाय हमें विद इन का यूज़ करना होगा तो ये हमारी बी पार्ट में हो गई फ्रेंड्स एरर ठीक है तो ये हमारी बी पार्ट में हो जाती है एरर ठीक है विद इन का यूज़ करना होगा विद इन द अलॉटेड टाइम तो विद इन में करेक्शन है तो हमारा डेफिनेटली बी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री नो बुक गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एनाटोमी इन सच इन सो मच डिटेल एज दिस बुक तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर थ्री में नो no बुक की बजाय हमें नो अदर बुक का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है नो अदर बुक का यहाँ पर यूज़ करना होगा क्योंकि जब एक ही ग्रुप ठीक है एक ही ग्रुप के एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी ग्रुप के अन्य सारे व्यक्ति या वस्तुओं से पॉजिटिव डिग्री में हो तो वाक्य की बनावट में हम लोग नो के बाद अदर का भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर The प्रोग्राम emphasizes emphasizes with mentoring विद to टू टेक रिस्क एंड टू एक्ट इन मोर एंटर way. वे तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे बी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें विद को हटाना पड़ेगा क्योंकि एम्फेसाइज क्या है एक ट्रांजेटिव वर्ब है ट्रांजेटिव वर्ब का काम करता है ठीक है सो so, इसके बाद हम लोग विद या ओन का यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स ठीक है बल्कि सीधा ऑब्जेक्ट लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमें डिपोजिशन का यूज़ नहीं करना है तो हमारे बी पार्ट में हो गई है एरर क्वेश्चन नंबर फाइव और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चलो खैर ये कर करते हैं डिस्कस आई टोल्ड हिम टू रेस्ट फॉर ए वाइल एज ही इज़ वर्किंग विदाउट ब्रेक सिंस मॉर्निंग तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे सी पार्ट में हो जाती है क्वेश्चन नंबर फाइव में फ्रेंड्स हमें इसके बदले हमें हेडबीन का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है क्योंकि पार्ट ए से हमें पता चलता है टोल्ड ठीक है पार्ट ए में क्या है हमारा टोल्ड ठीक है जिससे हमें पता चलता है कि घटना क्या है पास्ट में है तो और वैसे भी यहाँ पे क्या है सिंस मॉर्निंग तो इसी तरह से हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स बीन का यहाँ पर यूज़ करना होगा ठीक है पास्ट तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एवरी वन हैवी नाइस